गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मेरा पिक ऑफ द डे नहीं बट पिक ऑफ द ईयर होगा। मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत अंडर परफॉर्मेंस मार्केट ने देखी है, लेकिन अभी होपफुली अगर मानसून अच्छा होता है, बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर में मरीको हमको काफी पसंद है। स्टॉक करीबन 620 चल रहा है, पिछले साल का नंबर का परफॉर्मेंस देखे तो रीजनेबली अच्छा परफॉर्मेंस था, करीबन 1500 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल करीबन 1300 करोड़ था। मैनेजमेंट की कमेंट्री में देख रहा था कि काफी पॉजिटिव है और होपफुली अगर मानसून अच्छा रहता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जगह है। तो यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि 15 से 20% की अपसाइड मरीको में पॉसिबल है। कम से कम 100-125 रुपये यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट करिए। हो सकता है बजट में भी कोई बड़े अनाउंसमेंट्स एफएमसीजी सेक्टर के लिए आ सकते हैं, और थोड़ा अंडर परफॉर्मर है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू बन सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, कल महानगर गैस करीबन 10% बढ़ गया था और आईजीएल भी बढ़ गया था। मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट में ऐसा अनुमान है कि गवर्नमेंट शायद आने वाले बजट में गैस कंपनीज को एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करेगी, और गैस का यूसेज के लिए ऑलरेडी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि गैस का जो ओवरऑल कवरेज है वो ऑल ओवर इंडिया जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, गैस क्लीन रिसोर्स वाला सेक्टर है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट का फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कवरेज बढ़ाना है, वहाँ पे डेफिनेटली ये गिने चुने कंपनियाँ हैं जो मार्केट में लॉजिस्टिक वाइज अपना अपना रीजन कंट्रोल करती है, जैसे कि गुजरात गैस गुजरात में करती है, इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली साइड में करती है, महानगर गैस रायगढ़ में करती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी बात है कि सारे कंपनीज कैश रिच है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यू बन सकती है, प्रोवाइडेड आपका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना है। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्पेस है और यहाँ पे निवेशकों को थोड़ा सा पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ख्याल से देखिए, नंबर्स मंथ टू मंथ दीपांशु देखना शायद ठीक नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि होपफुली आई थिंक जो सेकेंड क्वार्टर होगा जुलाई टू सेप्टेम्बर, वहां पे पिकअप देखने को मिलेगा। काफी नए प्रोडक्ट्स, नए रेंज ऑफ व्हीकल्स कंपनियां लॉन्च करने वाली है, और हो सकता है कि अभी जो आपको थोड़ा बहुत स्लगिश सेल देखने को मिला है वो इसलिए भी है क्योंकि बेस बढ़ गया है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मानसून ठीक ठाक रहता है तो मेरे ख्याल से टू व्हीलर सेक्टर, पैसेंजर कार सेक्टर्स, प्लस जो प्रकार का इकोनॉमी का ग्रोथ आ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा 7-8% कहा जा रहा है, जीएसटी का नंबर भी बहुत अच्छा आ गया है, तो उसका असर आपको कमर्शियल व्हीकल के सेल्स में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में डबल डिजिट ग्रोथ पे ही ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। एक महीने के सेल के आधार के ऊपर आपको ये सेक्टर में कोई डी रेटिंग या कोई बड़ा बिकवाली का प्रेशर आएगा ऐसा लगता नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे। अगर मौका मिले तो टू व्हीलर और पैसेंजर कार सेक्टर में अगर गिरावट आती है तो खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए। कैरेसिल, एक बार अविनाश जी इस पर आपसे राय लेनी, अगर आप कवर करते हैं क्यूआईपी जो इनका लॉन्च हुआ है, करंट मार्केट क्रेज के आसपास ही क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस भी रखा है, कोई व्यू रखते हैं सर कैरेसिल पे? नहीं, इनफैक्ट दीपांशु ये काफी यूनिक प्लेयर है, किचनवेयर स्पेस में काम करता है, और ये एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा क्वार्ट्स सिंक बनाने वाली कंपनी है। आइकिया के साथ भी इनका टाई अप है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो पैसा कंपनी रेज कर रही है मोटा मोटी लग रहा है कि वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स के लिए रेज कर रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाला साल, कम से कम अगले 12 से 15 महीने के लिए, होपफुली अगर रियल एस्टेट मार्केट पिकअप करता है तो इससे डेफिनेटली कंपनी को काफी फायदा होगा, क्योंकि जितने घरे बेचेंगे, आजकल किचन एक ऐसी जगह बनी है जहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स करते हैं, और क्वार्ट्ज सिंक एक बहुत अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है जो लोगों को पसंद है, तो इस स्पेस में डेफिनेटली कंपनी अच्छा काम करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मोनोपोली का भी बेनिफिट है और काफी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे रहेंगे। मैं आई थिंक दीपांशु देखिए, अभी जनरल इलेक्शन और आईपीओ और वर्ल्ड कप होने के बाद लग तो रहा है कि वापस जो सीजन पिक्चर्स का शुरू होने वाला है, इससे काफी फायदा पीवीआर को होगा। ऑलरेडी कल की के जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है वो काफी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से होपफुली आपको सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 से पीवीआर में अच्छा वॉल्यूम और अच्छा बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए, स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी वापस बॉक्स ऑफिस में बहुत सारी बड़ी पिक्चर्स आने वाली है, और इसका असर डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आने वाले 6 से 12 महीने में आना चाहिए। तो आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी निचले लेवल पे करनी चाहिए।
दीपांशु, जो 10 की कमाई का मेरा स्टॉक है वो लार्सन एंड टुब्रो है। मुझे लगता है कि देखिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है डिफेंस कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आने वाले बजट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि कैपिटल गुड्स और जो कॉरपोरेट कैपेक्स की स्टोरी है वहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगी। और रही बात डिफेंस के ऊपर, तो L&T डिफेंस में भी है, तो मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है, अभी एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक चल रहा है, तो करीबन 3750 3800 के लिए अगले 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पे एक छोटा निवेश का मौका बन सकता है। करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स को अगर प्ले करना है तो L&T सबसे बड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो यहाँ से अच्छी खासी कमाई अगले 3 से 6 महीने के लिए करीबन 3750 to 3800 का टारगेट प्राइस।